हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में अभी हम लोग जा रहे हैं ल्यूजन, जो स्विट्ज़रलैंड का एक टाउन है। सो वील विजिट ल्यूजन सिटी सेंटर। वहाँ पे ल्यूजन लेक भी है और उधर एक बहुत पुराना चैपल्स ब्रिज है। तो अभी आप जाते समय देख सकते हो द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड स्विट्ज़रलैंड। पूरा तरफ ग्रीनरी है एंड यू सी बिग माउंटेन्स। और अभी हम लोग पहुँच गए सिटी। ये आप देख सकते हो, इधर बहुत कम ट्रैफिक रहता है। इट वाज क्वाइट गुड और सब कुछ बहुत ही मैनेज था। इफ़ यू सी द रोड्स, हाउ क्लीन इट इज़ एंड द वे पीपल आर ड्राइविंग। सो बहुत ही शांत, काम और एकदम ब्यूटीफुल है स्विट्ज़रलैंड। तो अभी ये हम ल्यूजन के अंदर आ गए। सो थोड़ी देर में विल रीच टू द ल्यूजन सिटी सेंटर। ये आप एक ट्रैम देख सकते हो उधर स्विट्जरलैंड का। तो ये है स्विट्जरलैंड का ट्रेन, आप देख सकते हो। स्विट्जरलैंड का ट्रेन नेटवर्क बहुत ही फेमस है। इट्स अ वेरी गुड रीचेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। आप कहीं भी जा सकते हो। और ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिटी सेंटर। ये आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट इज़ अ चैपल्स ब्रिज, जो पूरा वुड का बना है एंड इट इज़ अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड। मैं आपको आगे दिखाता हूँ व्लॉग में, सो कीप वॉचिंग। हाय गाइस, सो फाइनली वी रीच ल्यूजन सिटी। सो दिस इज वन ऑफ द बिगर सिटीज इन स्विट्जरलैंड। पॉपुलेशन इज अराउंड 10 लैक्स। राइट नाउ आई एम, you can say, the center of the city, Ljusen, which is nearby the Ljusen railway station. And behind me you will see the Ljusen lake. And right now I'm, this is the market area in which all the expensive shops are there. All the shops, all the market, everything is there. Behind me you will see a Swiss flag there. That's nothing but the Swiss bank which we have. Here is a chocolate corner where you can purchase chocolates. So I'll take you shortly to the Ljusen Lake and the Chapels Bridge as well. It's there only, which is a very old bridge built in 1313. I'll show you that as well. So let's go there. That's the Swiss bank. What the India mein jo famous hai, the Switzerland bank. That's the Swiss bank. There, if you see, that's the Ljusen Lake, which I'll show you. And here is the local market where all the big brand shops are there of all the watches like Rolex, Rado, Tagwire, all those shop brand showrooms. You'll see here, so if you want to buy expensive watches or anything, you can go there and purchase it. ल्यूजन सिटी। और ये मेरे पीछे है, दिस इज़ द ल्यूजन लेक। ये बहुत बड़ा लेक है और इधर मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट 4 स्टेट्स वाटर मीन्स हियर। ये लेक दे ऑल्सो कॉल इट द सी, ल्यूजन सी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लेक। इधर आके फोटोज खींचा। मैंने आपको बताया उधर देर इज़ मार्केट, उधर देर इज़ अ चैपल्स ब्रिज जो 1313 में बना था। और इधर भी वॉक वे मस्त है, आप पूरा ट्रीज देख सकते हो। सो यू कैन कम हियर एंड टेक फोटोज, क्वाइट सीनिक। सो यस गाइस, यू कैन कम हियर टू ल्यूजन सिटी, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे ही ट्रेन स्टेशन है नज़दीक ही, तो उधर से आपको पूरे स्विट्ज़रलैंड का कनेक्टिविटी मिल जाएगा बाई ट्रेन। सो या जस्ट ट्रेन से उतर के सीधा नज़दीक ही है। सो इन स्विट्ज़रलैंड गाइज, वन मोर थिंग विच आई नोटिस वॉज, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कार्स एंड स्पोर्ट्स बाइक्स इज़ वेरी कॉमन। तो आपको बहुत दिख जाएंगे ऐसे स्पोर्ट्स कार्स लाइक फेरारी, लेम्बोर्गिनी एंड स्पोर्ट्स बाइक्स एज वेल।
गाइज आई एम एट द लूजन लेक। आप मेरे पीछे वाटर देख सकते हो, द ब्यूटिफुल क्लाउड्स, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। मेरे पीछे अभी एक बोट जा रहा है, आई थिंक लेक में जो क्रूज करवाता है वो, सो यू कैन डू दिस हियर एज वेल। और वो जो पीछे दिख रहा है वुडन का एक स्ट्रक्चर, दैट इज़ दैट चैपल्स ब्रिज विच वॉज बिल्ट अराउंड 1313। पूरा वुडन ब्रिज है। अब नेक्स्ट हम उधर ही जाएंगे, बट ये लेक देखिए गाइस आप मेरे पीछे, वाओ। यहाँ पे ये यू कैन डू दिस बोट राइड एज वेल, जो आपको पूरे लेक में घुमाएगा, ल्यूसन लेक। या फिर इधर बोटिंग भी होता है इफ यू वांट, यू कैन डू बोटिंग एज वेल। गाइज अब लेक के बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं चैपल्स ब्रिज। ये आप एक स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ पे अभी ट्रैम्स भी है, ये लोकल बस विच रन्स अराउंड द, और ये एक साइट सीइंग के लिए भी ऐसे ट्रेन्स घूमते रहते हैं, सो इफ यू वांट टू डू अ लूजन सिटी टूर यू कैन टेक दैट एज वेल। सो गाइज ये है, दिस इज़ द ब्रिज विच इज़ अपोजिट टू द चैपल्स ब्रिज। ये है चैपल्स ब्रिज इस बिल्डिंग, तो आप इधर से भी बस बैठ के एंजॉय कर सकते हो। दिस इज मेरे पीछे जो दिख रहा है, दैट इज चैपल्स ब्रिज। पूरा वुडन का ब्रिज है ये, सो यहाँ से चल के वी नीड टू गो इनसाइड। यू कैन गो इनसाइड, वॉक थ्रू द ब्रिज, यू कैन एंजॉय द लेक एंड देन कम बैक। यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज सॉन्ग्स का शूटिंग भी हुआ है, सो यस मेमोरेबल एक्सपीरियंस विच यू कैन टेक हियर। और ये तो ऑब्वियसली द लूजन लेक। अभी आप क्लाउड्स और स्काई का कलर देख सकते हो, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो सीनिक स्विट्जरलैंड, सच में ईच एंड एवरी प्लेस यू कैन कम एंड एंजॉय, सो गुड। ये है चैपल्स ब्रिज इन विच आई एम वॉकिंग राइट नाउ। इट्स अ एंटायर वुडन ब्रिज जो 1313 में बना था, कैसे बना होगा पता नहीं लेक के ऊपर, बट यस यू कैन कम हियर व्हेन यू आर विजिटिंग ल्यूसन, दिस इज द लेक। देर आर लेक्स, सॉरी देर आर कैफेज एंड रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बैठ के यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ द ब्यूटिफुल ल्यूसन लेक। सो पीछे चैपल्स ब्रिज है, हम लोग उधर वॉक करके आ गए, एंड नाउ फ्रॉम देयर यू कम टू हियर, और इस ब्रिज से वी लॉग इन बैक, गो बैक टू दैट साइड जहाँ पे लोकल मार्केट है ल्यूसन का, विच हैज़ ऑल द शॉप्स एंड शोरूम्स, सो वी विजिट दैट प्लेस नाउ, लेट्स गो। सब कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स गाइस,
local market of Yusen. All the showrooms are here, guys. ये गाइस देख सकते हो मार्केट कितना खूबसूरत है। इधर यहाँ पे साइकिल्स रखी है, जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स है दे स्टिल मेंटेन्ड इट, एकदम पूरा अपना कल्चर हेरिटेज सब मेंटेन किया है। दे हैव नॉट चेंज्ड इट इनटू द न्यू स्ट्रक्चर्स, सब कुछ वही ओल्ड है इसलिए इतना खूबसूरत है सब। यहाँ पे एक लोकल कैफे ऑन द रोड अगेन, विच इज़ अ लोकल थिंग इन यूरोप। You'll see all the restaurants, cafes on the road. इसका भी शोरूम है। You want and purchase. These are Rolex watches. ये एक शॉप है ल्यूजन लेक के सामने, एक कसा ग्रैंड। इधर आपको कोई भी स्यूवेनर्स या फिर ऐसा कुछ लेना हो तो ले सकते हो। ये पूरे 3 फ्लोर का है, यहाँ पे सभी कंट्रीज के फ्लैग भी है, सो यू कैन कम हियर एंड बाय इफ यू वांट। अगर आपको स्विट्जरलैंड से कुछ बाय करना हो तो यू कैन लुक फॉर वॉचेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे वॉचेस मिल जाएंगे आपको, स्विस वॉच विट इज़ फेमस फॉर, सो अगर आपको लेना हो देन यू कैन बाई इट फॉर फ्रॉम हेयर। इसके अलावा आपको इधर ये काउ बेल्स मिलेंगे, जो स्विस काउ बेल्स हैं जो आपने मूवीज़ में देखे होंगे, तो अगर आपको एज ए सुवेनर लेना हो तो ये भी ले सकते हो। और उसके अलावा स्विस चॉकलेट्स तो है ही, सो यू विल फाइंड मेनी शॉप्स हेयर जहाँ पर आपको स्वीट्स चॉकलेट्स और बेकरी की आइटम्स मिल जाएंगी। सो यू कैन ट्राई आउट एनी ऑफ दीज, या डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज देख रहे हो। ब्रेड के बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे और बहुत सारे चॉकलेट्स एज आई सेड, सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट और ट्राई एनी डिफरेंट चॉकलेट्स यू कैन डेफिनेटली बाई इट फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी अच्छा टेस्ट वाइज होता है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम ल्यूजन गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ सेंट मोरिट्स, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विच इज़ फ्रॉम सेंट मोरिट्स स्विट्ज़रलैंड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।